संदेश खाली वो जगह है जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। संदेश खाली वो जगह है जहां एक शेख महिलाओं का चीरहरण करता है। संदेश खाली वो जगह है जहां महिलाओं के मना करने पर उन्हें घर से उठवा लिया जाता है। और विडंबना तो तब हो जाती है जब ये सब ऐसे राज्य में हो रहा है जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जहां महिलाएं अपनी आप बीती सुना रही हैं। इन कहानियों में सिर्फ विक्टिम बदलती हैं, आप बीती सभी की एक जैसी रहती है। नॉर्थ 24 परगना जिले में आने वाला संदेश खाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता शाहजहां शेख का एरिया है। शाहजहां और उसके दो साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर आरोप है कि वो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे। इस केस में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहां शेख अभी फरार है। शाहजहां की गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को हैरानी तक जताई और कहा कि जो व्यक्ति इस समस्या का मूल कारण बताया जा रहा है उसे अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका। खैर, हाई कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बाद भी अब तक शाहजहां शेख फरार ही चल रहा है। इस पूरे मामले में शाहजहां शेख पर आरोप लगाने वाली महिलाओं से जब बात की गई तो एक एक करके महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई जो दिल को चीर देने वाली थी, जिसे आपको भी सुनना चाहिए। हमें हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहां, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रंजू और भी बहुत है। कथा है नहीं जमा अच्छा दीदीरा ओर कथा बोले ओरा लिखित भाव एक कागज दिए ওটা পরে জানাবে ওখানে গিয়ে। আর কি বলবো দিদিকে, সব তো দেখছে দিদিতে আমাদের পাশে থাকলো না, দাঁড়ালো না, কি বলবো দিদিকে আর। তো শোনা আপনি, महिलाएं बताती हैं शाहजहां शेख के लोग जबरदस्ती पार्टी ऑफिस में बुलाते थे। यहां पार्टी की मीटिंग होती थी जिसमें गांव के सभी लोगों को जाना होता था, जो नहीं जाता उसके साथ वो मारपीट करते थे। मीटिंग के बाद मर्दों को घर भेज दिया जाता था, औरतों को वहीं रोक लिया जाता था, उनके साथ गलत हरकतें की जाती थी। कोई महिला ऑफिस आने से मना करती थी तो उसके पति को उठा लिया जाता था। ये सब हकीकत है जो महिलाएं बयां कर रही हैं। दरअसल ये विक्टिम महिलाएं 7 फरवरी से संदेश खाली के पात्रोपाड़ा में प्रदर्शन कर रही हैं। वो नारे लगाती हैं, शाहजहां शेख छोड़ बोना, और इंसाफ की मांग करती हैं। लेकिन उन्हें इंसाफ कब मिलेगा उसकी कोई तारीख तय नहीं, क्योंकि अभी तो जुर्म करने वाला ही फरार है, तो इंसाफ तो दूर की बात है। फिलहाल शाहजहां शेख के बारे में कहा जाता है कि वो टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है। राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को उसके घर रेड की थी, तब शाहजहां के 200 से ज्यादा सपोर्टर्स ने टीम पर अटैक कर दिया था, तब अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा। उल्टा पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी के अफसरों पर केस दर्ज कर लिया था, तभी से शाहजहां शेख फरार चल रहा है। हालांकि संदेश खाली के लोगों का कहना है कि वो कहीं नहीं गया, यहीं पर है, लेकिन अभी शाहजहां शेख का कोई अता पता नहीं। फिलहाल मामला बढ़ने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। सीआईडी में तैनात डीआईजी सोमा दास मित्रा इसे लीड कर रही हैं। टीम की बाकी मेंबर्स भी महिलाएं हैं। ये टीम पीड़ित महिलाओं से बात कर रिपोर्ट बनाएगी, उनकी आप बीती सुनेगी, ताकि सभी फैक्ट इकट्ठे किए जा सकें। साथ ही एसआईटी ने महिलाओं से मुलाकात की है। हालांकि महिलाओं का आरोप है कि टीम बार बार उनसे सवाल करती है, उनका ध्यान लगातार कहीं और बटाती है, बातों में उलझा लेती है। खैर, ये महिलाएं हैं जो बार बार अपनी आप बीती सुना रही हैं और बता रही हैं कि हर कोई बस बार बार उनसे सवाल कर रहा है, लेकिन इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब तक सेक्सुअल हरेसमेंट की सिर्फ 1 FIR हुई है। हालांकि अब तक करीब 30 शिकायतें सामने आ चुकी हैं। नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्ष रेखा शर्मा 19 फरवरी को संदेश खाली पहुंची थी, उसी दिन ये सभी शिकायतें हुई।
फिलहाल इस मुद्दे ने बंगाल की राजनीति को भी बढ़ा दिया है, गर्म कर दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से परमिशन मिलने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को संदेश खाली पहुंचे थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सोमवार को शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार डिवीजन बेंच गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं से बात की, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनकी जमीनें हड़प ली गईं, उनका शोषण किया गया और सब कुछ पुलिस प्रशासन की मदद से हुआ। यहाँ की स्थिति भयावह है और अराजकता का उदाहरण है। ये सब हकीकत है जो ये महिलाएं बयां कर रही हैं। और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं, ममता बनर्जी का बयान भी सामने आ जाता है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो संदेश खाली की महिलाओं को भड़का रही हैं। एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा कि महिलाओं ने एक भी FIR नहीं लिखवाई है, इन महिलाओं को बीजेपी भड़का रही है, जिसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। फिलहाल जब हमने संदेश खाली की और घटनाओं को खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि संदेश खाली में ऐसे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल संदेश खाली की तरह ही एक मामला अप्रैल 2022 में हुआ था। तब नदिया जिले में 14 साल की एक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। सामूहिक दुष्कर्म के बाद बच्ची की मौत हो गई थी। इस केस में TMC से जुड़े गाँव के उप सरपंच का बेटा आरोपी था। पुलिस ने मामले को ऑनर किलिंग का एंगल दे दिया था। तब CM ममता बनर्जी ने बच्ची के गैंगरेप से पहले ही प्रेग्नेंट होने का दावा किया था। तब इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार महिलाएं गुस्से में हैं और जल्द से जल्द शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में शाहजहां की पहचान मछुआरों के लीडर, कारोबारी डॉन और जमीन माफिया की है। नॉर्थ 24 परगना में विधायक और सांसद से ज्यादा पॉपुलर शाहजहां शेख है। वो 1999 में सवारी ढोने वाली गाड़ी में कंडक्टर का काम करता था। इसी दौरान लोकल मार्केट में सब्जियां भी बेचा करता था। कुछ दिन बाद शाहजहां गुंडा बन गया, जमीन के सौदे करने लगा। शाहजहां के चाचा CPIM के लोकल लीडर थे, उनकी मदद से वो पॉलिटिक्स में आ गया। जरूरतमंदों की मदद करने की वजह से लोग उसे पसंद करने लगे। सैकड़ों लड़कों को मोबाइल और बाइक देकर उसने अपने सिंडिकेट में शामिल कर लिया था। 2011 में शाहजहां शेख ने CPIM छोड़कर TMC में शामिल हो गया। इसी दौरान वो ममता सरकार में मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी बना। इलाके में शाहजहां का इतना दबदबा था कि लोग आपसी झगड़े और जमीन के विवाद सुलझाने उसके पास आने लगे। शाहजहां शेख के खिलाफ हत्या, आगजनी, लूटपाट और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ जमीन हड़पने की शिकायतें भी हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्ता में बैठकर कुछ भी किया जा सकता है? सवाल उठता है कि राज्य में एक महिला CM होने के बावजूद ऐसा कैसे हुआ और आखिर कब तक इन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि वक्त वक्त पर महिलाओं के साथ चीरहरण तो होता रहा है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। और एक बार फिर वही हुआ और फिर वही इंसाफ की गुहार है, लेकिन इंसाफ कब तक मिलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।